देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस समय मेरे साथ राजस्थान के भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। जोशी जी, 2019 में गठबंधन में भाजपा को 25 में से 25 सीटें मिली थी, एक सीट आरएलपी को मिली थी उसमें से। इस बार क्या लग रहा है सर, क्या रहेगा परिणाम? इस बार भी 25 में से 25 कमल राजस्थान में खिलेंगे और जनता ने ये मन बना लिया है। और उसके पीछे कारण है कि प्रदेश की जनता ने तय किया कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो संकल्प पत्र में जो कहा वो करके दिखा, यही मोदी जी की गारंटी पर विश्वास राजस्थान की जनता को है। और 10 वर्षों में जो मोदी जी के कालखंड में हुआ है वो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। तो यही विश्वास फिर से 25 का कह रहे हैं सर, इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा अब तक का भ्रष्टाचार स्कैम हुआ है, कैसे देखते हैं? उनको 50 सालों का अपना हिसाब किताब देना चाहिए। एक आखिरी सवाल सीपी जी आपसे, जिस तरह से राजस्थान में लग रहा है कि भाजपा ने अपने कई 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, क्या लगता है इस बार सर 25 में से 25 आपको लगता है कि 2019 या 2014 का जो परिणाम है वो रिपीट हो पाएगा? निश्चित रूप से पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगे जनता चल पड़ी है कि अब की बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीता। क्या सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड मोदी का चेहरा ही होगा बीजेपी? ऑब्वियसली वो उन्होंने जो काम किया है 10 वर्षों में वो अभूतपूर्व है, और हर क्षेत्र में जो काम हुआ है वो निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए जनता आतुर है। साफ तौर पर कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी जो है होने वाले लोकसभा चुनाव को लड़ने वाली है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।